हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्टिनोबेसिलोसिस यानी कि वुडन टंग के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। ये मेरा पार्ट थर्ड है, तो इसमें हम लोग इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे कि एक्टिनोबेसिलोसिस के सिनोनिम्स क्या होते हैं, एक्टिनोबेसिलोसिस होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, फैलता कैसे है, इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल क्या है, इसके बारे में आज आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्टिनोबेसिलोसिस के सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो इसको हम लोग वुडन टंग कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्टिनोबेसिलोसिस होता क्या है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो बड़े पशु हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, उसमें आपने देखा होगा कि एक्टिनोबेसिलोसिस के आपने लक्षण देखे होंगे। इसमें क्या होता है, जो उसकी जीभ होती है बड़े पशुओं की, या जो रूमिनेंट पशु होते हैं जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी होती है, उनको उनकी जो जीभ होती है उसमें सूजन हो जाती है, खाना पानी कम कर देती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसके कारण से उनका वेट लॉस होने लगता है। जो दुधारू पशु होते हैं दूध देना कम कर देते हैं, इसको हम लोग एक्टिनोबेसिलोसिस कहते हैं। अब आइए इसके हम लोग कारण के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिनोबेसिलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज के कहाँ होती है, जिसका नाम है एक्टिनोबेसिलोसिस लिग्निनेसी बैक्टीरिया होता है। इसके कारण से यह बीमारी फैलती है। जो बैक्टीरिया होता है ग्राम निगेटिव राट सेप का बैक्टीरिया होता है, ये इसका कारण हो गया। अब हम लोग इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई पशु मतलब किसी हार्ड सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को खा लेता है, जैसे कील खा लिया या मतलब कंकड़ खा लिया या मतलब कोई ऐसी चीज़ खा लिया जिसके कारण उसकी जो जीभ होती है कट जाती है या घाव हो जाता है, तो उसके इन्फेक्शन के कारण से यह बीमारी फैलती है। ये इसका ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इस बीमारी की आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो पशु होता है उसकी जो जीभ होती है उसके जीभ में सूजन हो जाती है, जीभ हार्ड हो जाती है, जब उसको हम लोग टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसके जीभ में नोड्यूल्स यानी कि छोटी छोटी गांठें पड़ जाती है, जब वो गांठ फूटती है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और येलोइश कलर का पस उस मतलब उससे डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण से पशु ना तो कुछ खा पाता है ना पी पाता है, उसका जो शरीर का वजन होता है कम होता जाता है। जो दुधारू पशु होते हैं दूध देना कम कर देते हैं, उनको बुखार भी हो जाता है। इस प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, ये इसका सिम्टम्स हो गया। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसको आप लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोस कर सकते हो। दूसरा, इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इंजेक्शन में आपको जैसे पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन आता है या पाउडर आता है, तो इसको मतलब इस पाउडर को आप 6 से 8 ग्राम पानी में डिजॉल्व करके अच्छे से घोल के इसको आप ओरली 7 दिन तक लगातार पिलाएंगे, तभी मतलब इस पाउडर का रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि ये पाउडर नहीं है तो आप पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन आता है, आप इसको 1 ग्राम पर 12 kg के हिसाब से, इसको पर कैटल के हिसाब से आप मतलब इसको फ्लूड थेरेपी के साथ दे सकते हैं। इसको भी 6-7 दिन आपको लगातार IV देना है, ये मतलब पहला काम करना है। दूसरा, आपको एंटीबायोटिक में जैसे डाइकेस्टिन की एंटीबायोटिक आती है, DSR के नाम से आती है, वो आप लगवा सकते हैं। यदि वो आपके पास नहीं है तो मॉक्सल की एंटीबायोटिक आती है, वो आप लगवा सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक आती है, कम से कम बड़े पशु जो होते हैं उनको 20 से 30 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस लगवाना है। जो छोटे पशु होते हैं आप उनको 5 से 10 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस लगवा सकते हैं। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन आपको दर्द का लगाना है, जिससे कि पशु का जो बुखार है या उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वो कम हो सके, तो उसको हम लोग मिलॉक्सिकेम का इंजेक्शन लगाते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उसको हम लोग 15 से 20 ml इंट्रामेस्कुलर भी लगाते हैं और इंट्रावीनस भी देते हैं, दोनों तरीके से दिया जाता है। जो छोटे पशु होते हैं उसको हम लोग 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस देते हैं। ये आप दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको एविल का लगवाना है।
एविल का इंजेक्शन जो बड़े पशु होते हैं उसको आप 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, जो छोटे पशु होते हैं जैसे भेड़ बकरी हो गई उसको आप 3 ml भी लगा सकते हैं, 5 ml भी इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन, जैसे कि आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट कंटेंट होता है। उस इंजेक्शन को आपको 10 ml बड़े पशुओं में लगानी है। जो छोटे पशु होते हैं जैसे भेड़ बकरी हो गई या बछड़ा बछड़िया हो गई या कैटल की हीफर हो गई, बफेलो की हीफर हो गई, तो उसको आप 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अब जो लास्ट में इंजेक्शन आपको लगाना, जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो आप उसको फ्लूड थेरेपी चढ़ा दीजिए। फ्लूड थेरेपी जैसे आप 3-4 लीटर बड़े जो पशु होते हैं D5 की आती है, D25 की आती, वो आप उसको 3-4 लीटर IV दे सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं उनको 500 ml या 1 लीटर IV बहुत है, इतना मल्टीविटामिन के साथ इसको आप दे सकते हैं। ये आपको कंप्लीट इस प्रकार से ट्रीटमेंट कराना है। अब हम लोग इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको आपको जो मतलब ध्यान देने वाली बात होती है इसमें क्या करना है कि जो पशु है उसको पहली बात तो कोई भी कठोर चीज़ नहीं खिलानी है, मतलब कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं देना जिससे कि पशु को आप इसको मतलब पशु इसमें क्या करना है, आपको पशु को फ्लूड जैसे लिक्विड चीज़ होती है वो आप उसको देंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरा, जैसे कि आप इसको फ्रेश पानी वगैरह भी पिला सकते हैं, इस प्रकार से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो पार्ट 3 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।